हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। अभी सुबह के 10:10 हो रहे हैं और अभी मैंने जाना है PECB, मेरे कॉलेज, पाकिस्तान एम्बेसी कॉलेज बीजिंग। मैं एक बार बताता चलूँ कि ये सारा व्लॉग मैं अपने कैमरे पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अगर ऑडियो में कहीं पे कोई मसला नज़र आता है, ऑडियो सही नहीं है, तो उसके लिए हम दिल की गहराइयों से मुअज़्ज़त ख्वाह हैं। उसको माइंड ना करें, क्योंकि मेरे पास एक पॉइंट एंड शूट कैमरा है, इस पर माइक लगता नहीं है, तो इसलिए उसके लिए हम मौजूद हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीजिंग में कहीं भी आने जाने के लिए आपको सबवे या बस में से किसी एक चीज़ को चूज करना पड़ता है, तो इस दफ़ा ही मैं सबवे के थ्रू जाने वाला हूँ, क्योंकि मेरा कॉलेज जो है सब है बहुत दूर और जो कम से कम टाइम लगता है वो सबवे से, इसलिए मैं सबवे से जाने वाला हूँ। इस दफ़ा सबवे से जा ही रहा हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना कि आप लोगों को भी इस दफ़ा थोड़ा सा एक्सपीरियंस कराया जाए किस तरह जाया जाता है सबवे से। तो आज के ब्लॉग में आपको ये भी बताते हैं कि चाइना में सबसे पहले तो आपको इस तरह एक सिक्योरिटी स्कैन करवाना है, जिसमें अपने जितने भी बैग्स वगैरह हैं आपके, वो आपने यहाँ पे रख देने हैं और ख़ुद आपने स्कैन और फिर यहाँ से अपना बैग रिसीव कर। तो बेसिकली सिक्योरिटी चेक के बाद आप लोगों को अपना सबवे कार्ड इस तरह के स्कैनर पे स्कैन करना होता है। स्कैन करने से होगा ये कि बीजिंग की सबवे का जो नेटवर्क है उसमें आपका कार्ड नंबर एंटर हो जाएगा, जिससे आप उनके रिकॉर्ड में आ जाते हैं कि ये बंदा इस टाइम पे इस सबवे स्टेशन से सबवे में बैठा है। और हमेशा इस तरह की एक मशीन हर एग्जिट पे भी होती है, और जैसे ही आप एग्जिट पे अपना कार्ड स्कैन करेंगे तो आपके जितने भी पैसे बंदे होंगे वो ऑटोमेटिकली आपके कार्ड से डिटेक्ट हो जाएंगे। और अगर आपके पास ये सबवे कार्ड नहीं है तो आप ये कार्ड इजीली किसी भी सबवे स्टेशन से ले सकते हैं। हर सबवे स्टेशन पे इस तरह का एक बूथ होता है, आपने सिंपली इस बूथ पे जाना है और 20 योन्स देने हैं और आपको आपका कार्ड मिल जाएगा, एंड दिस कार्ड इज टोटली रिफंडेबल। और अगर आपने रिचार्ज करवाना हो तो भी इसी बूथ से होगा। और अगर आपने कार्ड बाय नहीं करना तो आप सिंपली उसी बूथ पे जाकर जिस स्टेशन पे आपने जाना है उस स्टेशन का नाम बताएं और वहां से 5 योन्स की एक टिकट बाय कर सकते हैं, विच कैन बी ओनली यूज फॉर वंस, और ये वन वे टिकट होती है। तो ये था सारा तरीका हाउ टू यूज सबवे। नाउ बैक टू द मेन व्लॉग। अब हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं सैनलेटन, जहाँ पे मेरा बेसिकली कॉलेज है। अब हमने बस ये वाली रोड क्रॉस करके उधर जाना है और वहाँ पे मेरा कॉलेज है। फिर आपको आज अच्छे तरीके से मैं अपना कॉलेज अंदर से भी दिखाऊंगा। अभी यहाँ पे ना काफ़ी देर वेट करना पड़ता है क्योंकि अच्छी खासी ट्रैफिक होती है यहाँ पे, तो उतनी देर में आपको आस पास की जगह दिखा देता हूँ। ये है एग्रीकल्चर एग्जीबिशन सेंटर। यहाँ पे यूजुअली सारे कंट्रीज का फ्लैग होते थे, जिसमें एक पाकिस्तान का भी होता था, अभी नहीं है। और वो पीछे जो बिल्डिंग है दैट इज़ एग्रीकल्चर एग्जीबिशन सेंटर। और इसके बाद यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स वगैरह हैं इस एरिया में। अभी बहुत ज़्यादा क्लाउडी हुआ हुआ है जिसकी वजह से कुछ चीज़ साफ नज़र नहीं आ रही, वरना यहाँ पे पीछे एक स्काई स्क्रैपर भी होता है, वो भी नज़र नहीं आ रहा अभी। और बाकी ये सही जगह है, और इधर भी इसी तरीके से कुछ बिल्डिंग्स वगैरह हैं इस साइड पर। अच्छा, अभी कॉलेज आने की जो मेन रीज़न है वो ये है कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया एक दो ब्लॉग्स में कि मैं बहुत जल्दी पाकिस्तान वापस आ रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे सारे यहाँ पर जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट करनी है। और आज मैं अपना कॉलेज लीविंग सर्टिफिकेट और अपने सारे टीचर से मिलने के लिए वापस कॉलेज आ रहा हूँ, ताकि वन लास्ट टाइम उन सबसे मिल लूँ, सबको खुदा हाफिज़ कह दूँ, और उसके बाद हम पाकिस्तान की सफर शुरू करूँ। तो दिस इज़ द रीज़न वाई एम गोइंग टू माई कॉलेज। और मैंने सोचा कि आज आप लोगों को अपना कॉलेज पूरा डिटेल में दिखाता हूँ। ईद वाला जो व्लॉग था उसमें मैंने थोड़ा बहुत दिखाया था, पूरा मैं नहीं दिखा सका था, लेकिन आज इंशाल्लाह पूरा कॉलेज। अच्छा यार, ये है मेरे कॉलेज के सामने का व्यू। इस सारी जगह को कहते हैं सैनलेटन, और इधर सारी एम्बेसीज हैं। जैसे ये पाकिस्तान एम्बेसी है ये वाली, ठीक है, ये मेरे कॉलेज का गेट है, और वो पीछे पाकिस्तान एम्बेसी का गेट है उस तरफ, और साथ आई डोंट नो किस कोई और एम्बेसी है, इसके साथ एक और एम्बेसी है। तो ये जो सारा एरिया है ना, इसमें सारी की सारी एम्बेसीज हैं, और यहाँ पे अभी मुझे एंट्री करवानी है अपनी, उसके बाद अंदर जाएंगे। अच्छा भाई, तो फाइनली आई एम इनसाइड माय कॉलेज, और जिन टीचर से मैं मिलने आया था उनसे मैंने मिल लिया। कोशिश मेरी ये थी कि मैं उनको रिकॉर्ड कर सकूँ, लेकिन अच्छा नहीं लगता यार टीचर्स को रिकॉर्ड करते हुए, सर मैं आपसे मिलने आया हूँ, प्लीज़ कैमरे में ज़रा कुछ बात कर दें। तो इस वजह से मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, दिल मेरा था लेकिन नहीं किया, अच्छा नहीं लगता इसलिए। लेकिन जैसा मैंने कहा था कि मैं कॉलेज दिखाऊंगा, तो अब टाइम है कॉलेज दिखाने का। सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो गई है, पेपर वर्क सारा कंप्लीट हो गया है, अब सिर्फ टाइम है कॉलेज दिखाने का। तो आओ कॉलेज दिखाता हूँ आप लोगों को।
अच्छा यार, वो जो पीछे आप लोग गेट देख रहे हो वो गेट बेसिकली मेरे कॉलेज का मेन एंट्रेंस है, और ये जो साइड पे गाड़ियाँ खड़ी हैं ये कॉलेज की बसेज और कॉलेज स्टाफ की सारी गाड़ियाँ हैं। एंटर होते ही राइट साइड पे जो ये है हमारा फुटबॉल फील्ड, और इधर बड़ी यादें हैं यार मेरी इस फुटबॉल फील्ड में। खैर, मेन गेट से एंटर होते ही राइट साइड पे है फुटबॉल फील्ड, और उसके बाद जो अगर आप सीधा चलते हुए आओ, यानी मेन गेट से सीधा चलते हुए आओ, तो बिल्कुल सामने आपके होता है यहाँ पे मेरा ये जो है हमारे कॉलेज का यानी ये प्रिंसिपल का ऑफिस है, और प्रिंसिपल के जो स्टाफ होते हैं साथ उनके पीए वगैरह वो यहाँ पे होते हैं। उसके बाद जो यानी अगर आप सीधा चलते हुए आओ और उसके बाद यहाँ पे जो राइट साइड पे जो जगह आती है, तो ये है हमारी बेसिकली क्लासरूम सारी। ये सीनियर ब्लॉक है, और ये वाला जो ब्लॉक आप देख रहे हो पीछे दरख्त के पीछे जो है, इसको मैं थोड़ा साइड से दिखाता हूँ, ये वाला ब्लॉक बेसिकली जूनियर ब्लॉक है। ठीक है, सीनियर सारे इस तरफ, जूनियर सारे इस तरफ, और यहाँ पे उसके बाद बिल्कुल साथ हमारे पास है हमारे वाइस प्रिंसिपल का ऑफिस, और उसके वाइस प्रिंसिपल का ऑफिस और उसके बिल्कुल साथ हमारे पास है हमारा एग्जामिनेशन सेल। तो ये है मेरा टोटल स्कूल, और इसके बाद वो जो पीछे तुम लोग देख रहे हो, ये जो पीछे जगह देख रहे हो, ये सारी है एम्बेसी की जगह। इस बाउंड्री के उस तरफ सारी एम्बेसी की जगह है। खैर, उसके बाद अगर आप लोग बिल्कुल जो प्रिंसिपल ऑफिस है इसके साथ एक छोटी सी जगह है ये, इस जगह से आप लोग पीछे जाते हैं, हम लोग बास्केटबॉल कोर्ट है और जो हमारा जिम है उसकी तरफ पीछे जाते हैं, और हमारी सारी कैंटीन भी इधर ही है। और अब इधर से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अच्छा यार, पहले मैं उधर खड़ा होकर आप लोगों को स्कूल दिखा रहा था। ये है सीनियर सेक्शन, ये है जूनियर सेक्शन के एंट्रेंस, और अब यहाँ पे इसकी मैं बात कर रहा था कि यहाँ से अगर हम लोग पीछे जाएं तो हमारे जो कॉलेज है, जो मेरा कॉलेज है, इसका बास्केटबॉल कोर्ट आ जाता है। इधर से पीछे जाते हैं, सबसे पहले तो कैंटीन आती है, आई की दुकान, ये आई की शॉप के नाम से बड़ी फेमस थी, और यहाँ से ये बर्गर मिलते थे यार, यानी KFC है, पूरा KFC है ये चीज़, और मैं बड़ा मिस करता हूँ इस बर्गर को यार। अब तो खैर कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी अच्छे से बंद है और कुछ है भी नहीं, लेकिन मैं मिस करता हूँ इसको। और इधर जो है वहाँ से, यानी वहाँ से हम लोग सीधा आए तो इधर सबसे पहले हमारे पास आती है लेफ्ट साइड पे हमारा कंप्यूटर लैब है, ये राइट साइड पे आता है हमारे पास हमारे कॉलेज का हॉल। ठीक है, ये हमारे कॉलेज का हॉल है, और ये कुछ टेबल टेनिस के टेबल्स पड़े हुए हैं, और बिल्कुल इसके सामने हमारे पास है हमारा बास्केटबॉल कोर्ट, और बास्केटबॉल कोर्ट के बिल्कुल साथ हमारे पास है मेरे कॉलेज का जिम। ठीक है, ये मेरे कॉलेज का जिमनेजियम है, फोकस हो जाओ भाई, ये कॉलेज जिमनेजियम है, और ये पूरे का पूरा खाली पड़ा हुआ है। एक टाइम था यार जब ये जगह भरी हुई होती थी, उफ, लाइक इट्स बीन 7 मंथ्स जब से स्कूल बंद है, और ये जगह इतनी खाली मैंने आज तक नहीं देखी। खैर, ये जिमनेजियम है हमारा, ये स्टेज है, मॉर्निंग बच्चे कम होते हैं तो सुबह यहाँ पे इंटरनेशनल स्कूल है और इधर बच्चे भी थोड़े कम होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे सारी असम्बली होती थी हमारी सुबह सुबह। और ये बास्केटबॉल इंडोर बास्केटबॉल कोर्ट बना हुआ है, बैडमिंटन कोर्ट बना हुआ है, और ये टेबल टेनिस का टेबल पड़ा हुआ है, और ये है हमारा टोटल जिमनेजियम। ये एक पूरा एक रूम है, तुम लोगों को दिखा अपने जिम का, ये देखो ये मेरा अंदर से जिम है हमारे कॉलेज का, ये पूरा, और उसके बाद बिल्कुल यहाँ बाहर ये बास्केटबॉल कोर्ट है। देखो यार, अब ऐसा हो नहीं सकता कि मैं कॉलेज आऊँ और कॉलेज अंदर से ना दिखाऊँ। अभी तक मैंने ऊपर ऊपर से दिखाया है, बाहर बाहर से दिखाया है, अब थोड़ा टाइम है अंदर से दिखाने का। तो अब आप लोग मैं अपनी क्लास में लेकर चलता हूँ। अच्छा यार, ये सीनियर सेक्शन की मेन एंट्रेंस है, यहाँ से एक स्टेयर ऊपर जाती है जो कि बेसिकली OA level क्लासेज जो ऊपर वाली साइड पे हैं, नीचे वाली साइड पे यहाँ एंटर होती है। सबसे पहले तो A levels की आती थी, A levels 2, जो कि अब खाली पड़ी है पूरी। उसके बाद हमारे पास ये हमारा वॉशरूम था जहाँ हम हर पीरियड के बाद एक चक्कर ज़रूर लगाते थे। उसके बाद ये है 9th आ गई, और ये है 1st ईयर। I don't know who's inside. ये मेरी 1st ईयर थी, मैं दिखा नहीं सकता अंदर, क्योंकि अंदर कोई बैठा हुआ है। ये 9th क्लास है, ये 9th क्लास है यार। खैर, मैं आप लोगों को एक आइडिया दे देता हूँ कि क्लासेस होती कैसी हैं यहाँ पे। सो ये एक क्लास है,
एट क्लास थी बेसिकली, पता नहीं 7 के 8 क्लास थी, आई डोंट नो सीनियर सेक्शन में क्या कर रही थी, होना नहीं चाहिए था लेकिन फिर भी कुछ कर रही थी। सो ये क्लास है और हमारी सारी क्लासेस इस तरह की होती हैं, यहाँ पे एसी लगी होती हैं, वो एसी लगा हुआ है और ये विंडोज़ हैं, वाइट बोर्ड, और इतनी छोटी छोटी क्लासेस होती हैं। इतना रश मेरी क्लास में नहीं होता था टेबल्स का। हम टोटल 9 बच्चे थे फर्स्ट ईयर के, उनमें से भी कुछ पाकिस्तान वापस चले गए तो कम हो गए, लेकिन हमारी क्लासेस होती इस तरह की ही थी। अच्छा तो यार ये था मेरा पूरा कॉलेज। आई नो इतना बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी बहुत बड़ा है यार, और इस कॉलेज में मैंने जितना मज़ा किया ना, इतना मज़ा मैंने पाकिस्तान में किसी कॉलेज में नहीं किया। सब दोस्तों के साथ मैंने बहुत मज़ा किया, जितने भी थे, साद, हमायल, मुश्तबा, फहद, सब के साथ जितना मैंने यार मज़ा किया है ना यार, वो मैं बता नहीं सकता। तो और आई थिंक वी नीड दिस काइंड ऑफ कॉलेज इन स्कूल इन पाकिस्तान, इतना फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो यार, खुद ही पढ़ने का दिल करता है आपका, यकीन मानो कोई ना भी कह रहा ना तब भी आपका दिल होता है कि यार पढ़ो, आ जाओ कॉलेज, जाओ कॉलेज जाओ। सो ये था मेरा पूरा कॉलेज, और जितने भी लोग यार यहाँ पे, जो कुछ चले भी गए हैं, जो जितने भी थे, आई जस्ट वॉन्ट टू से थैंक यू टू एवरी वन फॉर मेकिंग माई टाइम द बेस्ट ओवर हियर, एंड इंशाल्लाह जितने पाकिस्तान चले गए उनसे मैं पाकिस्तान जाके मिलूँगा, जितने यहाँ पे हैं उनसे मैं भी मिलूँगा। एंड यस, तो ये था मेरा पूरा कॉलेज। अब हमने अपना लास्ट जो काम रह गया वो करना है, और उसके बाद हमने घर के लिए करना है। अच्छा यार अभी मुझे स्कूल कॉलेज छोड़ते हुए थोड़ा दुख सा हो रहा है, क्योंकि होता है इतने मज़े की जगह जब भी आपको छोड़ रहे होता है तो थोड़ा बहुत होता है, तो मैंने सोचा कि ना फॉर द वन लास्ट टाइम इन टू द मोमेंट होना तो into the moment shots are coming. अच्छा यार अब वापस जाने का टाइम है, क्योंकि जो काम करने आए थे, टीचर से मिलने आए थे, हो गया, फिर अपना पेपर वर्क सारा कंप्लीट करना था वो हो गया। नाउ इट्स टाइम टू लीव, और छोड़ते हुए मुझे जितना दुख हो रहा है ना यार, तो प्लीज सी बी बाय। सो गाइज दिस इज इट फॉर द व्लॉग, और अब जिस तरीके से हम लोग आए थे उसी तरीके से सबवे में वापस चले जाएंगे, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।